नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। तो फिर मेरे हाथ से निकल गया। लाश के पास सबसे पहले कौन आया था? कोई नहीं। कोई नहीं मतलब? मतलब जब हम लोग आए थे तो वो लाश नहीं थी, वो जिंदा था। वो जिंदा था मतलब? हाँ, वो बस मरने वाला था। मरने वाला था मतलब? आखिरी सांसें बाकी थी उसकी, मगर तभी मर गया था। यस, चलो लाइन में आओ सब लोग। चलो अब ये बताओ, वो जिंदा था या मर गया था? जिंदा था थोड़ा सा। वो मरने के पहले लोग थोड़े से जिंदा रहते ना वैसे। मरने से पहले कुछ बताया उसने? कुछ इन्फॉर्मेशन दी उसने? कुछ कह रहा था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे समझ में आ गया। हवलदार जी साहब, इन चारों को पुलिस स्टेशन लेके जाओ। अरे लेकिन सर, सर बॉस तो मर गए, अब आप कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? मैं भी यही सोच रहा था। तुम लाश की तलाश लो। चला इनटू जीप, कम ऑन बैठो, चला। अरे मेरे, अरे अब भाई मेरे पीछे नहीं, जीप में बैठ जा। इंस्पेक्टर साहब, अरे हम लोग भाग क्यों रहे? अरे भागते नहीं तो वो इंस्पेक्टर सारी असलियत ही गोल वाले था। अरे उसके पास जीप है, वो हमें दो मिनट में पकड़ सकता है। अरे नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि डिटेक्टिव रॉय उसकी जीप की चाबी अपने साथ लेके आया है। सुपर! तो मैं कौन सी चाबी ले आया हूँ? सर सर, वो तो मेरे घर की चाबी भी लेकर भाग गए सर। चाबी नहीं, वो चिट फंड फ्रॉड के पैसे का राज भी लेके भाग गए, जिसके पीछे मैं 10 साल से पड़ा हूँ। सबके मिला के 205 रुपए। अरे इतने में सिर्फ एक ही आदमी गोवा जा सकता है यार। काम करता हूँ, मैं गोवा जाता हूँ, पैसे लेके आता हूँ, ठीक है? अबे रुक, क्या हुआ? मुझे गोवा जाने के लिए डॉक्टर ने मना किया क्या? जाएंगे तो चारों साथ गोवा जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। थैंक यू। लिसन, तुम लोग को जो करना है करो, मुझे तो बहुत सारा बाथरूम करना है यार। चुप यार, चुप यार। एक तो वो इंस्पेक्टर हम लोगों के पीछे पड़ा है, अगर उसने हम लोगों को पकड़ लिया तो यार हमें जल्द से जल्द गोवा पहुँचना चाहिए। देखो अगर हम सबको एक साथ गोवा जाना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे मार डालेगा उनके गाड़ी को हाथ लगाया तो। कोई चांस ही नहीं है यार, सुबह जब तेरे बाप को पता चलेगा तब तक तो हम गोवा में होंगे, है ना? हाँ, तेरे जेब में माल होगा तो अपने बाप का बाप होगा, है ना दी? हाँ, मगर तो ओके यार, चलो तुम दोनों गाड़ी के पास जाओ, हम लोग चाबी लेके आते हैं, ठीक है? ओके ओके। अबे तू उतर के दे यार, तू मेरे साथ चल रहा है। चाबी, मेरी गाड़ी की चाबी। मानो मैं स्क्रूड्राइवर पकड़। कौन से?
तू टेलीफोन की घंटी बजा रहा है? बेवकूफ, टेलीफोन दो दिन से डेड है, अब तू मेरे हाथ से डेड हो जाएगा। तारी बहनो हटी भाई, तू बाहर निकल, तू बाहर निकल। पापा गलती हो गई, तारी हिम्मत कैसे घर में आ गई, गाड़ी चलाने आया था। सिर्फ बेहोश हुए तू, चाबी ले। कामले, जब तक वो नहीं मिलते तुम एयरपोर्ट से नहीं हिलोगे, इज दैट अंडरस्टूड? रेलवे स्टेशन पर 25 आदमी और लगा दो, मुझे वो चारों चाहिए किसी भी हालत में। जब तक वो चारों पकड़े नहीं जाते, नाकाबंदी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। ओके सर। ये चारों जा कहां सकते हैं? क्या गाड़ी मेंटेन किए सब आपने, जबरदस्त। उसके नहीं है, उसके बाप की है। ये चल ले। अरे बमन, इसको बांध के रख यार, चला नहीं आती गाड़ी में। गाड़ी क्यों रोक दी? अरे वो देख अपने बाप लोग। मेरा डिटेक्टिव दिमाग ये बोलता है कि वो इंस्पेक्टर ने ये नाकाबंदी हम लोगों के लिए लगाई है, 100%। तो अब क्या करें? प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ, जंगल से होता हुआ आगे सीधा हाईवे पे मिलता है। डोंट वरी, घुमाने वाले गाड़ी घुमाने। थैंक यू। Oh shit. पापा मुझे ठोक देगा मालूम। अबे भालू को बचाने के चक्कर में गाड़ी ठोक गई यार। तूने दोनों हेडलाइट तोड़ दिए, 18,000 रुपए का खर्चा है। रोता काहे को यार, हम लोग तीनों 6,000 रुपए मिला के दे देंगे तेरे को। तीनों मतलब? हम लोग तीनों ना, 1, 2, 3। और मानव? अरे हम लोग दोनों तो एक ही यूनिट है यार, हम लोग अलग थोड़ी है। बचपन से भाई है। ऐसे कैसे क्या बचपन से भाई? मुझे मार देंगे। हम लोग तीनों मिलके 6,000 रुपए तेरे लाइट के लिए भर देंगे, ठीक है? छोड़ना यार। क्या छोड़ना, अब पूरी रात इस गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी। उसकी नौबत ही नहीं आएगी मेरा लाल। मेरे पास एक आइडिया है, ये मैंने माचिस निकाली, ये मैंने आग लगाई और हुआ उजाला। ये उजाला उजाला मानव, जब मैंने ट्राई किया था सब जल रहे थे। मेरे पास एक और आइडिया है, आज रात हम यहीं सोते हैं। आदि, यू आर सो क्लेवर, यू आर सो क्लेवर। थैंक यू मामा, वुड बी सो प्राउड ऑफ यू। व्हाट डू यू मीन बॉस मर गया? ये सब हुआ कब? सर कल शाम को। सर कल शाम को हुआ? तुम मुझे अब बता रहे हो? सर मेरी बात। शट अप! कल शाम से लेकर अब तक क्या कर रहे थे? सर आपका मोबाइल ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहा था। शट अप! ये सब हुआ कैसे? सर शायद आपके नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे वर्क में प्रॉब्लम है। यू नो, बॉस का जिंदा पकड़ा जाना हमारे लिए कितना जरूरी था। गई गई गई, करोड़ों रुपए की इंफॉर्मेशन गई, जिसकी वजह से मुझे प्रमोशन मिलने वाला था, सब चौपट कर दिया तुमने। मेरा भी नुकसान हो रहा है सर, 10 साल इस केस के पीछे आपने मेरा भी प्रमोशन रोक के रखा है सर। शट अप! तुम्हें प्रमोशन की पड़ी है? प्रमोशन की? 10 साल से मैं बॉस के पीछे पड़ा हुआ था। आप नहीं सर, मैं। लगाया किसने? आपने सर। जाना पड़ेगा भैया, अब यवतमाल जाना पड़ेगा। क्यों सर? यवतमाल कहाँ है सर? वहां पहुंचोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। मिल जाएगा भैया कल तक में, है ना? तुम्हें मिल जाएगा। ये क्या है सर? तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर तुम्हें कल तक मिल जाएगा। नाउ गेट आउट। सर गेट आउट। 10 साल ईमानदारी की नौकरी करने का ये साला मिला। कौन है आप? नारी हूँ, नारी छू। नारी? हाँ। तुम तो पुरुष लगता है। हाँ? अरे कॉन्ट्रैक्टर,
नारी कॉन्ट्रैक्टर नाम से मारो। वो मेरा नालायक दिख रहा, मेरे जिगर के टुकड़े को लेके भाग गया, उसका कंप्लेन लिखाने आया। ये तो गाड़ी है। हाँ, तुम्हारे वास्ते गाड़ी है, पर मेरे वास्ते तो मेरा जिगर का टुकड़ा है ये। और ये मेरा नालायक बेटा बोमन, जो अपने 3 हराम खोर दोस्तों के साथ इसको चुरा के भागा। ये बोमन, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ बाबा। और ये गाड़ी लेके भागा? अरे मारे जिगर का टुकड़ा लेके भागा। कबीर बैक इन बिजनेस।